Mike and Mike. वेल हमारे बहुत अच्छे दोस्त महावीर जैन की फिल्म है और बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ख़ासकर देवीनाथ तो करीबन 10-15 साल पुराने दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं। हाँ बचपन से जानते हैं, उनकी फिल्म है और वो फिल्म जब भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, तो आई होप कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। से आई हैव नोन महावीर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन बॉम्बे और महावीर ने इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी द ग्रेट इंडियन सर्कस आई थिंक, तो उसने भी काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते थे पर इस तरीके से बहुत लोगों के सामने तक नहीं पहुंच पाई थी। दिस इज़ हिज सेकेंड अटेम्प्ट एंड आई थिंक दिस वुड बी वंडरफुल। हम लोग अपनी जी जान से उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से वो कंटेंट वाइज फिल्म बनाए और बहुत बहुत आगे तक जाए। वेल हम सभी हमारे पीएम साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं हम सब और उनसे मिलता जुलता मैंने भी सुना ये फिल्म बहुत कुछ है, तो देख के हम ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन आए जैसे देवीना ने बताया कि महावीर की फिल्म है तो ज़रूर अच्छी होगी। द होल इंडिया नाउ नोज इंडिया फ्रॉम मोदी। हाँ आप मोदी के जगह से हो तो अगर मोदी से कोई फिल्म मेकर इंस्पायर्ड होते तो आई थिंक दैट्स अ वेरी लॉजिकल एंड वेरी नाइस थिंग टू हैपन। और हम भी बहुत उत्सुक है देखने के लिए, अभी तक तो सिर्फ प्रोमोज देखे हैं, ट्रेलर देखे हैं और वी आर सो एक्साइटेड टू सी व्हाट ही हैज़ मेड दिस टाइम। वेल ट्रेलर देखा है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और बस इंतज़ार है कि जल्दी से जाके देखें। और शॉर्ट फिल्म है तो आधे घंटे की है और जो भी शॉर्ट्स थे उसमें ट्रेलर में बहुत ही अच्छे थे। वेल मुझे तैयार होने में सिर्फ 2 घंटे लगे और देवीना को सिर्फ 3 घंटे लगे। कभी तो तुम कुछ अलग बोलोगे। हाँ आई थिंक मैंने तो एक पैंट सूट पहना है और डिफरेंट ये है कि इसमें काफ़ी सारे ज्वेलरी मैंने नहीं पहना, मैंने कपड़ों को पहना दिया और गुरमीत इज़ वेयरिंग अ ब्लैक पैंट एंड शर्ट बट इट्स टिपिकली नॉट अ पैंट शर्ट, अलग है, कैजुअल कम फॉर्मूला बोल सकते हो। आप देख सकते हैं गुरमीत ने क्या पहना। Hi. बहुत कुछ सुना है इसके बारे में और काफ़ी उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, सुना है कि बहुत ही नेक फिल्म और बहुत ही स्वीट सा अच्छा सा फिल्म है, तो डेफिनेटली काफ़ी उम्मीदें लेकर आए हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट, क्योंकि एक सोच उनकी नेक है, अच्छी सोच है और आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। Yeah, I saw the trailer today. It looks interesting. The thought behind it is really good, so I'm looking forward to see the film. नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और अगर उनकी लाइफ पर आधारित है और उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। हालांकि मैंने सुना एक 30-32 मिनट की फिल्म है, सो आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी
एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा, एक नोबल मैसेज होगा, एंड आई एम श्योर इट विल बी इंस्पायरिंग, यू नो, हमारे यूथ के लिए, हमारे यू नो, फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी इंस्पायरिंग फॉर पीपल लाइक अस एज वेल. यस, देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन. वेरी सून यू विल हियर अनाउंसमेंट्स. आप क्या चाहते हो, रोमांटिक हो या हॉरर हो या एक्शन? नहीं, ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर, सब सब तरह की फिल्में करेंगे आपकी गुड विशेस के साथ. थैंक यू. भागे थे पकड़. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ग्रोथ के बारे में, देश के बारे में, हमारी यूनिटी के बारे में, और इन चार साल में हमारे देश ने क्या तरक्की की है, एक सारी एक थॉट मिलेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि एग्जैक्टली ये फिल्म कैसी बनी होगी. इनफैक्ट पूरा मुंबई आया है और देखने के लिए. मैं बहुत एक्साइटेड होकर आया हूँ. कैन यू इमेजिन कि ऑल द वे इन मुंबई ट्रैफिक अगर टाउन में आ रहे हैं इसको देखने के लिए. सो आई रियली वांट टू सी दैट एग्जैक्टली कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको हम पूरा देश ने, पूरा विश्व चाहता है, उनकी सारी एबिलिटीज़ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देश देखेगा और ये फिल्म के द्वारा हम लोग जानेंगे. मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ. अवेयरनेस हो गई बिकॉज आई ट्रैवल वर्ल्ड एंड वेर एवर आई ट्रैवल द पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, दे आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, और एक नए ग्रोथ के साथ देख रहे हैं. वेरी पॉजिटिवली देखा जा रहा है और पूरा देश बड़ा एक्साइटेड है. यूथ, हमारा युवा वर्ग बड़ा एक्साइटेड है. सो या, एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी. चार साल एक अद्भुत से गुजरे हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी बड़े अच्छे से गुजरेंगे. थैंक यू. भाषण देना बोलो. अरे दोस्त, तुम जी, हमारे मित्र भूषण कुमार, महावीर जैन, इन्होंने बहुत ही मीनिंगफुल शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका मैंने ट्रेलर देखा है. लेकिन इस प्रयास को मैं सराहना चाहता हूँ क्योंकि जो ट्रेलर देखकर पता चलता है कि किस तरह की मीनिंगफुल शॉर्ट फिल्म बनाई है इन्होंने. भूषण कुमार मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, महावीर जैन जो कि नए फिल्मों में आए हैं वो भी बड़े अच्छे मित्र हैं. तो ढेरों शुभकामनाएं इस प्रयास को. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फिल्म. ढेरों शुभकामनाएं इस फिल्म को. मैं फिल्म देखना चाहता हूँ.
आइए आए, आप सवाल पूछिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अव्वल तो ये जो फिल्म बनी है मोदी जी के बचपन से इंस्पायर्ड है, चलो जीते हैं, ये मंगेश जी ने बनाई है, भूषण कुमार जी हैं, कमलेश जैन जी हैं, आनंद राय साहब हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, चलो जीते हैं से मुझे ये समझ आता है कि अगर इंसान किसी के लिए हर दिन किसी एक इंसान के लिए जिए, सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, वो जिए किसी और के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। ये सीख हमें मोदी जी से मिलती है, उनके बचपन से मिलती है, उनकी इस फिल्म से मिलती है। ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए, कि आप एक इंसान से प्रेरणा लें, गेट मोटिवेटेड। और उनका इस फिल्म का जो लक्ष्य है, जो मैंने समझा है, कि आप सिर्फ अपने लिए मत जियो, जियो तो किसी और के लिए जियो। हर एक दिन चलो जीते हैं का मतलब है हर एक दिन आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी अगर उसकी बदल सकते हैं, बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं, तो उसे जीना कहते हैं। सिर्फ जीना कि 24 घंटे आपको निकालने हैं और वो दिन ख़त्म करना है, उसे जीना नहीं कहते हैं। तो चलो जीते हैं मतलब है सिर्फ अपने लिए नहीं, हम किसी और के लिए जीते हैं और उसकी ज़िंदगी संवारते हैं। मैं बहुत उत्सुक हुई फिल्म देखने के लिए, उनके पूरे मोदी जी के बचपन पर आधारित फिल्म है, और मुझे पूरा यकीन है बहुत ही प्यारी फिल्म होगी जो सभी को, हर हिंदुस्तानी वासी को प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए। I'm really excited because I think this is a short film. इस केस में एक बहुत ही गहरा मैसेज है, शॉर्ट फिल्म में एक बहुत ही गहरा मैसेज है, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू सी के क्या बना है, यू नो, लाइक ये बहुत टाइम से मैं सुन रही हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। वेल आई थिंक उनकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, जिस लेवल से वो आज एक पूरे देश को चला रहे हैं, इतनी ऊपर आ रहे हैं, और हम सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सो आई थिंक हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। या राइट, पार्ट ऑफ वेरी एम्बिशियस हिंदी फिल्म दैट्स कमिंग अप सम टाइम नेक्स्ट ईयर, बट राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। या It's a historical movie. Yeah, बहुत बहुत thank you, bye.
फिल्म का एक ही शॉट बात है, जियो तो अगर जीना है, असल जीना है तो दूसरों के लिए जियो, बस यही है। बहुत ही टचिंग फिल्म है और मैं चाहूँगी कि मेरा जो बेटा है वो इस फिल्म को देखे कि क्योंकि बहुत कम में जब एक बच्चा जब उसके खुद के पास इतना कुछ है नहीं लेकिन वो एक दूसरे बच्चे की मदद करना चाहता है तो वो किस तरह से कर पाता है और जब करने की चाह हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ये हमें फिल्म से सीखते हैं। तो आई थिंक ये चाह हर बच्चे में होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहे ना सिर्फ अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए भी। तो दूसरों के लिए सोचना ही एक हमारे बच्चों को ये फिल्म सिखाएगी और हमें भी यही चीज़ सिखाएगी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म जो हम लोग को सोचने पे एकदम मजबूर कर देती है कि हम लोग
सोचते कि हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, सब कुछ करेंगे और फिर वापस सोसाइटी को देंगे जो ये हिंदुस्तान ने हमें दिया है, जो सोसाइटी ने हमें दिया है। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल इस फिल्म में नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है कि जब एक वो छोटा बच्चा था और वो चाह रहा था खुद गरीब होके कि वो किसी और को मदद करे, किसी और को किसी और छोटे बच्चे को दाखिला दे स्कूल में, उन्होंने उसने कैसे खुद कमाई करके अपने टैलेंट को यूज़ करके, लिखने की टैलेंट को यूज़ करके पैसे कमा के एक बच्चे को स्कूलिंग करवाई। और ये एक बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। इसका मतलब है कि हम जहाँ पे भी हो लाइफ में, किसी भी छोटे से छोटे स्थान में, छोटे से छोटे बैंक बैलेंस के साथ, लेकिन हम परिवर्तन ला सकते हैं औरों की ज़िंदगी में। अमित भाई गए? हाँ, अमित। I will go on the same place. सर, सर, just a small bite. आज महावीर जी ने और उनके पूरे कलाकार मंडली ने जो इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के छोटे कार्यकाल का अंश देखने को हम सबको सौभाग्य मिला। कैसे एक व्यक्ति का जीवन और व्यक्तित्व छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे अपने अनुभवों से बनता है, कैसे दिल में दर्द पैदा होता है, कैसे समाज के प्रति सद्भावना और संवेदना पैदा होती है। जीवन की छोटी आयु में एक दलित के परिवार के साथ जो अन्याय होते देखना, घर में बिजली के अभाव में जीना, महिलाओं को कैसे धुआं के झोंके में अपनी तबीयत खराब करना, गरीबी में भूख के कारण कैसे एक छोटी बेटी का त्याग देना, इन सब अनुभवों को लेके एक व्यक्ति तय करता है कि वो जीवन और समाज दोनों के बीच कोई अंतर ना रखते हुए अपना पूरा जीवन देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारतीयों के लिए जिएगा। ये भावना इस फिल्म में देखने को मिली। मैं महावीर जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का परिचय उनके इस जीवन के अनुभवों से एक छोटे 32 मिनट की प्रस्तुति में इतने सुंदर रूप से हम सबको देखने को मिला। धन्यवाद। थैंक यू। चलो, थैंक यू प्रसून। मैं कुछ और आवाज़ में बोलूँगा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत एक बहुत सुंदर प्रस्तुति है। मुझे तो लगता है जब भी बच्चों की बात होती है और बच्चों के माध्यम से और बच्चों के जिस तरह से बच्चे दुनिया को देखते हैं, जब उस तरह से हम कहानियों को बताते हैं तो उसमें एक तरह की मासूमियत होती है। और मुझे लगता है इस कहानी में एक मासूमियत है, एक सच्चाई है जो एक छोटी सी फिल्म में आपके हृदय को छू जाती है कि इतनी छोटी सी बात हम बड़ों की दुनिया में बहुत पॉलिसीज में फंसी हुई दिखती है, बट एक छोटी सी बात जब बच्चे कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ है जो हो जानी चाहिए थी और ये प्रयास सारे हो जाने चाहिए। I think this is one of the most inspirational movies that I have seen, and I am sure that like me it will inspire all Indians. Thank you. Thank you, Mukesh. Okay, thank you. Thank you. Hi. वेल, ये फिल्म जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो बचपन की एक झलक दिखाई गई है कि वो कैसे बहुत ही संवेदनशील एक बालक थे और जिन्होंने अपने बचपन में इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस देखे हैं, तो जिससे एक इंसान का जो व्यक्तित्व किस तरह से उसका शेप अप होता है,
लेकिन ये फिल्म उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में है कि एज अ सोसाइटी वी हैव टू बी टुगेदर टू राइज. हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग रह के राइज नहीं कर सकते. सो दिस फिल्म इज़ एक उनकी लाइफ का एक छोटा सा एक किस्सा है उनके बचपन का, लेकिन ये हमारे लिए है. तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलनी चाहिए. वेल, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट. वो ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी पापा की वजह से इस मुकाम पे पहुँचे हैं. वो बहुत ही संघर्ष करके, वाई यू लाफिंग, बहुत ही संघर्ष करके जो हैं, ही इज़ द राइटफुल लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी. वो हमने उनका चयन किया है, हम लोगों ने उनको चुना है. तो दिस कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम. दिस इज़ हिज वेल डिज़र्वड प्लेस विच ही हैव नॉट ओनली डिज़र्व बट अर्नड बाई शेयर हार्ड वर्क. सो देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, देर शुडंट बी एनी डाउट अबाउट हिज credibility as a prime minister. Of course, why not? 5 साल बहुत कम है किसी भी देश को खड्डे से निकालने के लिए. You know, we are our country is in a pit. We need to pull it out. So 5 years are not enough. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Kangana. Shall we quickly say? Gurmeet and Devina. बहुत 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 अच्छी लगी. बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म से, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जैसे ही मौका मिले ये फिल्म ज़रूर देखें, और आप यकीन करें कि आप बहुत कुछ सीख के निकलेंगे यहाँ से. वही है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं एक बचपन में ही तय हो जाता है. तो एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में तभी से किसी और के लिए कुछ करने की वो जो प्रेरणा जागी थी, दैट मेड हिम टू वॉट ही इज़ टूडे, एंड ही स्टिल डूइंग वॉट ही वॉज डूइंग. सो चलो जीते हैं नहीं, ही इज स्टिल लिविंग दैट लाइफ, एंड वी शुड ऑल लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, लिव फॉर अदर्स. थैंक यू सो मच. स्पेशल थैंक्स टू महावीर जैन. चलो डायरेक्ट बोल. बहुत बहुत ही हृदय स्पर्शी ऐसी ये प्रेजेंटेशन थी आज की. एक बच्चे को बचपन से ही कैसे लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा मन में प्रबल होती है, उसमें से ये दिखता है, और वही बच्चा आगे जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं. और इसमें से एक टेक अवे ये है कि जो हमारी वैल्यू सिस्टम्स है, ये बचपन से ही या तो हमें इंस्पायर करके दूसरों से मिलती है या इनहेरेंट रहती है. और ये मूवी देखने के बाद, हर स्कूल में जाने के बाद, आई एम श्योर हर बच्चे को एक इच्छा आएगी कि मैं क्यों जीता हूँ और मैं कैसे दूसरों के लिए काम आ सकता हूँ और जी सकता हूँ. तो बहुत ही अच्छी एक मूवी है ये, जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाती है, और सभी ने इसे देखना चाहिए. एंड बेस्ट ऑफ लक टू द मूवी. वन टेक अवे फ्रॉम द फिल्म इज यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ. यू हैव टू थिंक व्हाई वी आर लिविंग. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर सेल्फ्स, आवर लग्जरीज, आवर एम्स, आवर एम्बिशंस. यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. यू हैव टू थिंक फॉर अदर्स, एंड द डे यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद अदर्स, that is the moment you truly find yourself. So this is about finding yourself in true sense. Thank you. मैं देता हूँ, मैं बाद में लास्ट अजय भाई के बाद देता हूँ. अजय भाई आए, यू कैन आस्क. ये शॉर्ट फिल्म है लेकिन बहुत रियलिस्टिक फिल्म बताई है, और वो इतना बहुत प्रभावित हो सकते हैं कि किसके लिए ये जीतना है, किसके लिए हम लोग जीते हैं, ये प्रश्न सभी के मन में आएगा. और मुझे लगता है कि इसके कारण
अगर ये मूवमेंट बन जाए तो अपना देश भी आगे बढ़ेगा और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और सुख और शांति मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू सर। एक फोटो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप सब लोग आए, थैंक यू। वेल, मैं इस फिल्म को हमने बनाया, बहुत प्यार से बनाया है, मैं और हमारे डायरेक्टर मंगेश जी ने, हमारे सब दोस्तों ने, मौलिक भाई ने, सब ने बहुत साथ दिया हमारा। आनंद जी हमारे प्रेजेंटर, ये दोस्त हैं, और भूषण जी भी हमारे साथ हैं। सो ये फिल्म बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के जीवन की वो घटना है जिससे उनके जीवन में पूरा बदलाव आया, और वो एक छोटी सी सोच उनके दिमाग में कि मैं किसके लिए जीता हूँ। छोटी सी बात पर बहुत बड़ा सवाल कि हम लोग किसके लिए जीते हैं, और 10-12 साल की उम्र में उनके दिमाग में ये बात आती है और वो बहुत गहरा चिंतन करते हैं, अपने अलग अलग लोगों से पूछते हैं, अपने टीचर से, परिवार से, कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। और फिर उनको एक जवाब मिलता है कि जो दूसरों के लिए जीते, जो स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और वो उस लाइन को अपने जीवन में अपना लेते हैं। और उस दिन से लेके पिछले 50 सालों तक हम देख रहे हैं उनको कि वो उसी फिलॉसफी पे जी रहे हैं, और वो हम हर पल यही सोचते हैं कि मैं बाकी सब के लिए क्या करूँ। उन्होंने अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा। जब हमें ये कहानी पता चली तो हमें बहुत अच्छी लगी, और इस कहानी को हमने बनाया, और फॉर्चुनेटली सबको बहुत पसंद आ रही है। आप लोग भी कल इसको स्टार प्लस पे देखेंगे रात को 9 बजे। आप लोग भी अपनी बात करिए, और बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल के देश के एक नव निर्माण में लगना चाहिए, एक परिवर्तन में लगना चाहिए। हम सबको समाज को एक नया समाज बनाना चाहिए, बहुत पॉजिटिवली सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव भावना से ये फिल्म बनी है, बड़ी ऑनेस्टी से फिल्म बनी है, उनके जीवन पर सच्ची आधारित घटना है। और हम सब ये एक मन में सवाल पूछेगा कि हम किसके लिए जीते हैं, और हमें सबके लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखो मैं बताता हूँ क्या मेरे दिल को छुआ, क्या छुआ मैं बताना चाहूँगा हमारे दिल को, कि रात को एक छोटा बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि मैं किसके लिए जीता हूँ, और वो जो एक अपने फेलो स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, वो बात बहुत दिल को छू गई, और फिल्म में देखेंगे वो आप। थैंक यू। मैं मौलिक भाई को इनवाइट करूँगा, मौलिक भाई हमारे दोस्त हैं। मौलिक भाई क्या बोलूँ मूवी के बारे में आप? श्यामक भाई, आई जस्ट वांट टू से कि आपका पिक्चर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एंड आपका मैसेज भी बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दैट मोदी जी इज होल आइडिया ऑफ द फ्लावर, the selflessness, the humility of that one thought has changed the whole nation. So I think that's wonderful. Thank you. Thank you. Yeah, indeed. Salish bhai. Okay, Salish bhai is here. देखिए ये एक फिल्म नहीं है, ये महज एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है, एक शिक्षा है, एक सबक है हम सबके लिए, कि हम सबको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हम किसके लिए जीते हैं। लेकिन मानिए अगर हम स्वयं के लिए जी रहे हैं तो हम जी नहीं रहे, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए, बांट दे जग को ना अमृत बूंद अधरों पर लगाए, है ज़रूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को फिर, विश्व का विश्व सिंधु पी जाए मगर हिचकी ना आए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के वर्तमान के लिए और एक सुखद भविष्य के लिए जी रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बोलिए देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि बहुत ही लाजवाब फिल्म देखी मैंने, पूरा श्रेय जाता है महावीर जी को, मंगेश जी को, भूषण जी जिन्होंने प्रेजेंट की है फ्रॉम पी सीरीज। आपके सवालों का जवाब मैं चाहूँ तो रात भर दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप किसके लिए जीते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये फिल्म देखने के बाद कुछ फिल्में होती हैं जो दिल को छू देती, कोई भी अच्छी फिल्म देखो दिल को छू लेती है, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो आपके जहन दिमाग रूह में चली जाती है। ये वो फिल्म है
हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने ली है इस वक्त, ये सिर्फ हमारे मीडिया के सामने ये बोलने की बात नहीं है, ये कि भाई आपको कोई बोले कि कुछ बोल दो और आपने कुछ कह दिया और उसके बाद आप चले गए, ये जाने वाली बात नहीं है, ये रहने वाली बात है, ये रह गई है। मैं अपने सारे हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, मैं अपने संगीत के ज़रिए हर एक इंसान जो गम से गुजरता है उसकी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ अपने संगीत के ज़रिए। बहुत सी फिल्में आपने मेरे देखी होंगी, जैसे कि बॉर्डर है, LOC कारगिल है, हमारे हिंदुस्तान के जवान जो कुर्बानियाँ देते हैं। सबसे छोट बचपन में जो मोदी जी की कुर्बानी मैंने देखी कि उन्होंने एक नाटक प्ले किया और उसके बाद पैसा इकट्ठा कर कर अपने दोस्त के लिए यूनिफॉर्म ला के दिया, वो कमाल की बात थी, वो मैं रोया बहुत देखकर। इससे नज़र आता है कि इतने महान इंसान क्यों हैं। और ख़ास करके एक चीज़ मैंने नोटिस की, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हैं, कमाल की बात है। इनका नाम भी नरेंद्र है, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र ही था। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, इनके अंदर का जज्बा जो है उसने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कल नया दिन आएगा वो ज़रूर ये लेके आएगा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर इंसान के लिए जीना चाहता हूँ, उसे जीना कहते हैं। ये फिल्म वो प्रेरणा देती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं कितना कहना चाहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ ग्रेट कंट्री, व्हाट अ फिल्म एंड व्हाट अ ह्यूमन बीइंग यू आर, गॉड ब्लेस। डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मंगेश हड़ावले, क्या बोल रहे हैं फिल्म के बारे में, पूछे, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। शूटिंग का क्या, अभी का देख इंडियन सर्कस मेरी सेकंड फिल्म थी और पहले मैंने टिंगा नाम की एक फिल्म की थी, दोनों फिल्म को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। उसके बाद हमने महावीर जैन और हमने मिलकर शॉर्ट फिल्म की है, चलो जीते हैं। बेसिकली शॉर्ट फिल्म करना इतना ही दिमाग में था और किस सब्जेक्ट के ऊपर करना ये तय नहीं किया था, मगर कुछ ऐसा करना था जिसके कारण देश में एक परिवर्तन आए, समाज में कुछ परिवर्तन आए। और एक दिन मैंने नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई सामाजिक समरसता ये किताब पढ़ी और उसके फर्स्ट चैप्टर में मुझे शॉर्ट फिल्म का जिस्ट मिला। फिर मैं अहमदाबाद गया, फिर उसके बाद वडनगर गया, उनके नेटिव प्लेस, और लगभग 2-2.5 महीना रिसर्च करने के बाद ये स्क्रिप्ट लिखी। और फिल्म में जितने सारे लोकेशंस यूज़ किए हैं वो सारे रियल लोकेशन है, PM साहब की रियल पाठशाला, रियल क्लासरूम, रेलवे स्टेशन, सारे रियल लोकेशन का इस्तेमाल किया है। ओवरऑल जब लोग फिल्म देखते हैं तो मेरे से बात करते हैं तो उनको अंदर से बहुत बदलाव वो महसूस करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत कुछ नई चीज़ महसूस करने का वो एहसास करते हैं। थैंक यू। अच्छा मंगेश जी, खड़े हो, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक छोटे से बच्चे को जो नरेंद्र मोदी बने हैं फिल्म के अंदर, नरेंद्र मोदी यही बने हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ कहें। कहो बेटा। हेलो, माय नेम इज़ धैर्य दर्जी, धैर्य नितेश दर्जी, फीलिंग सो प्राउड डूइंग PM सर्स मूवी, मींस प्राइम। बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने और बहुत दिल से ये रोल निभाया है। बेटा आपने क्या सीखा है वो बताइए। मैंने ये सीखा है कि दूसरों के लिए जियो, खुद के लिए तो सब जीते। क्या बात है, थैंक यू। कोई पूछना, एक आध सवाल पूछ लीजिए आप लोग, एनी क्वेश्चन, ठीक, थैंक यू। अच्छा अभी बहुत सारे अपने सेलिब्रिटीज फ्रेंड आ रहे हैं, वो स्क्रीन खत्म हो रही है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आनंद राय जी और अपने प्रेजेंटर फिल्म के बहुत सारे और एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं, 5 मिनट रुके, बस 5 मिनट, 2 मिनट करा दो फिर। अच्छा मैं जब तक आप लोगों की फिल्म की कास्ट के साथ करवा देता हूँ, फिर अपने सेलिब्रिटी सारे दोस्त आने वाले हैं। ये हमारी टीम है, इन्होंने सबने बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए हैं।
लोगों ने काम किया है और फिल्म कल आप देखेंगे स्मार्ट टीवी पे। पापा जी कहाँ है? फादर ही है। रात को 9 बजे सब फिल्म देखे स्टार पे। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। और ये बस आप ये समझिए लाइफ में जो इंस्पायर होता है कि यार चलो जीते हैं अपनी ज़िंदगी को, कैसे इंसान को सोचना चाहिए कि कुछ किसी के लिए कुछ करना है। तो ऑल ओवर जो हमारे मंगेश सर ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से फिल्म को उन्होंने बनाया है और मज़ा आ गया देख करके। और आप लोग भी देखें और आप लोग भी इंजॉय करें। बस वही चलो जीते हैं। आज पता चला कि हम लोग किसके लिए जी रहे हैं। मैंने भी अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं किसके लिए जी रही हूँ, पर मेरे बेटे ने मुझे सिखा दिया कि हम दूसरों के लिए जीते हैं। आप सब प्लीज़ स्टार के हर चैनल पर देखिए रात को 9 बजे चलो जीते हैं। सब एक साथ बोलेंगे कल रात 9 बजे स्टार पे चलो जीते हैं। चलो मैंने फिल्म देखी। मैं आते हुए सोच रहा था कि 30 मिनट में क्या दिखाएंगे, मगर कमाल कर दिया 30 मिनट में। एक ऐसा ख्याल, मोदी जी का जीवन तो इतना बड़ा है कि क्या बता सकते हैं, पर एक ऐसा थॉट, इतना ज़बरदस्त डायरेक्शन, पूरा प्रोडक्शन ज़बरदस्त था कि मैं खुद सोच नहीं पाया कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। इतनी छोटे से थॉट पे इतनी बड़ी बात कह दी है। मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी ने, भले वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचार का हो, इसने ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, खास करके बच्चों ने देखनी चाहिए। धन्यवाद। इतने सालों ने मैं कहीं नहीं गाया था, मैं इसी ज़िंदगी में था। वैसे फिल्म के बारे कहाँ जाए तो मैं सोच रहा था कि कैसी होगी, 30 मिनट की फिल्म है लगभग, क्या दिखा सकते हैं, ऐसा क्या होगा, किसी के जीवन भर की बातें बताएंगे क्या। और जिस तरह एक मुद्दा उन्होंने लिया है और उस मुद्दे पे छोटे बच्चे की तरह जो बताया गया, मैं सोचा मोदी जी का जीवन इतना बड़ा होगा दिखाएंगे क्या, पर एक ऐसा उन्होंने इक्का डाला है जो ना बात पार्टी की है, ना आपकी विचारधारा की है, बात इंसानियत की है, हर एक बच्चे की इनोसेंस की द्वारा दिखाई गई है। मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी ने यह फिल्म देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और मुझे फ़ख्र है इन्होंने ये फिल्म बनाई है, और जलन भी हो रही है कि ऐसा थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। आई थिंक गिव 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 बोथ ऑफ यू गिव। कैसी लगी फिल्म? आई थिंक इट्स अ माइंड ब्लोइंग फिल्म बिकॉज एक शॉर्ट फिल्म में इतने लिमिटेड टाइम में आप इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब एक लाइफ जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं। सो एक जो छोटा सा बच्चा है उसकी एक्टिंग एंड ऑफकोर्स दैट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, उनके थ्रू हमें एक इतना इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिल रहा है कि वट एवर वी आर डूइंग, वाई वी आर डूइंग, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीबडी। एंड हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे बाकी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे वी कैन मेक आर लाइफ यूजफुल फॉर द अदर्स। सो इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस, रियली हार्ट टचिंग, एंड आई गॉट रियली गूज बम्स एट द एंड ऑफ द फिल्म। सो माई आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर महावीर जैन ऑन द होल टीम फॉर एन अमेजिंग फिल्म, सीरियसली। थैंक यू। ओके, अपने कांची की एक्ट्रेस मिस्ती इज हियर। Hi. It's first of all, I'm like really, really amazed कि इतने छोटे से टाइम में इतने ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया है इसको, and the message of kindness, the message of giving, जो लाइन है इसका बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटिफुल मूवी। एंड आई थिंक आई एम रियली रियली प्राउड that you know like I came here today and I watched this film, and I think it's been a great
you know, moment for me being a part of the, you know, like this, watching the film and interacting with the entire team. And I'm really happy that I could see this. फिल्म के प्रेजेंटर आनंद राय जी आ गए. फाइन, इनवाइट द एंटायर मीडिया, कॉल द फोटोग्राफर्स एज़ वेल. क्या हाल है? परसों ही मिला जैसे. कैसी लगी फिल्म? चलो जीते. आप फिल्म के प्रेजेंटर भी हैं? नहीं, मेरे लिए, मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा ही इस वजह से क्योंकि मुझे बेहद पसंद आई थी ये फिल्म. और ये लाइन जो थी, चलो जीते हैं, जो कि हमारी लाइफ की सबसे बेसिक लाइन होनी चाहिए थी, मुझे जब ये बात मेरे पास पहुंची महावीर जी से और मंगेश से, तो मुझे लगा मैं 47 इयर्स का हो गया हूँ, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है. ये लाइन मेरे को सोचे हुए कितना टाइम हो गया कि चलो जीते हैं, ये बेसिक लाइन है सर. और फिर जब मैंने ये फिल्म के बारे में सुना और देखा, और मुझे लगा कि ये तो उसके बियॉन्ड है. ये तो आपको सुन के लगता है चलो जीते हैं एक लाइन है, पर जो चलो किसी के लिए जीते हैं वो कितनी बड़ी लाइन है. इसके अंदर जो छुपा हुआ है, वो इस लाइन के पीछे इसकी अलग दुनिया है जो छुपी हुई है. तो मेरा इसके साथ जुड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे इससे कुछ सीखना ज़रूरी था. देखिए, इंस्पिरेशन जहाँ से भी आए आपको ले लेनी चाहिए. ये कहानी अगर किसी ने भी जिए, जिसने भी जिए, उसकी लाइफ में कुछ घटा है, उस जो भी उसकी लाइफ में घटा है, अगर वो आप तक पहुंच रहा है, आपको कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए. और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था समझने के लिए कि अगर ये हमारे प्रधानमंत्री की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो शायद कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ठीक हो रही हैं. भाई, मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ. मेरे को बहुत सारी पॉलिटिक्स या उसके आसपास की दुनिया समझ नहीं आती. मेरे को सिर्फ इतना समझ में आता है कि एक सोच, मुझे सोच समझ आती है, और इस कहानी के अंदर जो सोच थी वो मुझे बहुत प्रभावित करती है. मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस चीज़ के साथ भी जुड़ रहा हूँ उससे कुछ सीखूँ, और मैंने इससे कुछ सीखा. थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया.